हेलो दोस्तों, आज मैं 9 क्लास का फैक्टराइजेशन का वीडियो लेकर के आया हूं। आप इसे देखिए और समझिए। थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम इसको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। आप विशेष करके इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से स्वागत है। मैं आप सवाल बनाने जा रहा हूं, तो आप देखिए इसको। ये पहला जो गुणनखंड दिया है a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए माइनस टू। तो हम लोग गुणनखंड जब भी करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि बीच वाला राशि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तो वन है, एक्स के बगल में वन यानी एक्स का गुणांक वन है। तो निश्चित रूप से हम ये दोनों को देख लेंगे कि ये दोनों को क्या करने से वन आता है। अगर a माइनस वन में अगर a माइनस टू घटा देते हैं तो देखिए क्या आता है, a माइनस वन माइनस ए माइनस माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू। अब ये कट गया तो आ गया वन, टू में वन घटाएंगे तो वन आ गया। तो ये जो वन है यहाँ छुपा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतना आ जाएगा और माइनस करने से वन आ जा रहा है। इसको हम इसी रूप में तोड़ेंगे, आप लोग भी ऐसे करिएगा, ज्यादा आसान होगा। देखिए a माइनस वन का एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या बताए थे यहाँ पे, a माइनस वन और फिर माइनस a माइनस टू, इस तरीके से इसको हम तोड़ लेते हैं। क्लियर, इसका मतलब ही वन हुआ, अभी हम करके दिखा दिए थे। क्लियर, अब देखिए माइनस a माइनस टू लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो हम करते हैं a माइनस वन इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस a माइनस टू इंटू एक्स माइनस a माइनस टू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, x दोनों में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिए। अब देखिए, अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा वो देखिए, a माइनस वन यहां भी है, a माइनस वन यहां भी है ना, और फिर x यहां भी है, x यहां भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं a माइनस वन इंटू एक्स। अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे बचता क्या है, x माइनस वन बचता। क्लियर, और प्लस यहां पे देखिए a माइनस टू और a माइनस टू है, हम कॉमन ले लेंगे a माइनस टू, बोलिए क्या बचेगा, x माइनस वन। अब देखिए यहां पे x माइनस वन, यहां भी x माइनस वन, अब एक बार और कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस वन इंटू a माइनस वन इंटू एक्स प्लस प्लस यहां पे आ जाएगा a माइनस टू। तो ये हो गया, ये एक साथ आ गया इसका और ये एक साथ आ गया। अब इसको करें x माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस टू। अब इसमें देख लेते हैं कि कोई जुड़ने लायक है या नहीं है, तो जुड़ने लायक हम कहीं देख नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब देखिए सात नंबर, a माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई ए प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे तोड़ेंगे तो देख लीजिए, अब ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है a माइनस वन इंटू ए प्लस वन, यानी इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस वन, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां तो हमको ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर वन, अब प्लस वन अगर इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वन को अगर वन से मल्टीप्लाई करें तो निश्चित रूप से यही रहेगा, लेकिन अगर जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम वही काम करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, बताइए क्या बोले थे, ये दोनों मल्टीप्लाई किए थे तो a स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी में टूटा, और इसके साथ हम क्या कर दिए हैं, प्लस वन कर दिए हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, हमको a स्क्वायर आ गया। अब इसको हम एक्स वाई यहाँ पे डाल देते हैं जो डालना था, और a प्लस वन वाई स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको हम आगे चलते हैं, a माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स वाई और प्लस एक्स वाई।
अब प्लस ए प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब ए माइनस वन, ठीक है ना, ए माइनस वन एक्स स्क्वायर। और अब देखें तो इसको हम तोड़ सकते हैं, a प्लस वन इंटू ए माइनस वन, इसको हम फिलहाल तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होगा, समझ में आएगा कि हम कॉमन क्या ले रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको भी हम तोड़ दिए। अब बताइए दो ठो देखिए आप, इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहां देखिए a माइनस वन ए माइनस वन, यहां x है, यहां एक्स स्क्वायर है, तो x तो है ही, तो हम यहां वही काम कर रहे हैं। देखिए a माइनस वन इंटू एक्स कॉमन ले रहे हैं, गौर से देखिएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे, x बचेगा। अब प्लस देखिए ये तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या, a प्लस वन और इंटू क्या बचा, y बच गया, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, क्लियर है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस अब देखिए ये दोनों बताइए कॉमन क्या आएगा, y आएगा, तो y आएगा तो x प्लस, फिर बताइए क्या बचेगा, a प्लस वन इंटू वाई, यहां पर हम मल्टीप्लिकेट ले लेते हैं। अब तो देखिए ये और ये क्या अलग है या एक ही है, निश्चित रूप से एक ही है। तो अब देखिए यहां पे x प्लस ए प्लस वन इंटू वाई, ये हम कॉमन ले लिए हैं, और इधर क्या बचा है, a माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए वाई प्लस वाई, क्लियर। अब देखिए ए एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, अब यहां देखते हैं कि कोई जुटने लायक नहीं है, जब जुटने लायक नहीं है तो हमारा यही आंसर आ गया। अब देखिए एक नंबर का सवाल, इसको हम कैसे बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस, अब ये जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस, माइनस इन कॉमन लेते हैं तो यहां पे माइनस आ जाएगा फाइव पी क्यू, और यहां प्लस आ जाएगा, ये तो हम लोग चिन्ह कॉमन लेते हैं तो बदल जाता है। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स रहने दीजिए, अब इसको तोड़ दीजिए, सिक्स को अगर फाइव में तोड़े तो निश्चित रूप से थ्री और टू में हम तोड़ देते हैं, तो थ्री प्लस टू, इसको हम ये ब्रैकेट ले लेते हैं, और पी क्यू अब प्लस सिक्स टू स्क्वायर, मतपात विश्लेषण है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग साधारण तोड़ते हैं उसी तरह से तोड़ रहे हैं, क्लियर, टू पी क्यू प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यहां पे क्या आएगा, पी कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, पी माइनस थ्री क्यू आएगा ना, फिर माइनस अगर 2q कॉमन ले लेंगे तो पी क्या आएगा, p माइनस थ्री क्यू आएगा ना कॉमन, निश्चित रूप से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस। अब बताइए इसमें ये और ये देखिए, p माइनस थ्री क्यू फिर से कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, p माइनस टू क्यू, क्लियर। अब देखना ये है कि किसको किस में घटाएं कि हमारा q आना चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर हम p माइनस टू क्यू में घटा देते हैं p माइनस थ्री क्यू, तो देखिए क्या आता है, अगर हम इसको घटाते हैं तो आता है p माइनस टू क्यू, टू क्यू माइनस पी प्लस थ्री क्यू, तो इसमें देखिए p भी कैंसिल हो जाएगा, थ्री क्यू में क्यू टू क्यू निकल जाएगा, तो केवल q बचेगा, तो निश्चित रूप से q के लिए हम यही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्यू के लिए हम करने जा रहे हैं पी माइनस टू क्यू, क्लियर, अब माइनस पी माइनस थ्री क्यू, क्लियर, और यहां पे एक्स माइनस पी माइनस थ्री क्यू पी माइनस टू क्यू, ठीक है। ये केवल इसके जगह पे लिखना है क्योंकि इसको माइनस अभी हम करके दिखाए थे, ये आ गया था क्यू, तो इसलिए इसको हम इस तरह से कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब फिर उसी तरह से एक्स दोनों में हो जाएगा, तो बताइए पी माइनस टू क्यू के साथ एक बार एक्स आएगा, अब माइनस माइनस प्लस बताइए, पी माइनस थ्री क्यू के साथ भी एक्स आ जाएगा, अब माइनस रहने दीजिए थ्री क्यू, अब फिर पी माइनस टू क्यू, अब बताइए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, ये दोनों में बताइए कॉमन क्या आ सकता है, फिर इधर हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या आ सकता है। तो सबसे पहले ये दोनों में देखिए x यहां है, कॉमन ले लेते हैं,
बचेगा x माइनस पी माइनस टू क्यू, इतना ही बचा। अब देखिए इसमें क्या वही बचता, प्लस है। अब यहां देखिए p माइनस थ्री क्यू, पी माइनस थ्री क्यू कॉमन ले लेते हैं। अगर ये कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, यहां पे देखते हैं क्या बचता है, बताइए। x तो बचेगा माइनस, अब चूंकि थ्री क्यू कॉमन ले लिया है तो p माइनस टू क्यू यहां भी बच जा रहा है ना। तो अब देखिए यहां पे ये और ये दोनों क्या है, दोनों मिल जा रहा है। तो अब फिर एक बार कॉमन ले लेंगे, बताइए x माइनस पी माइनस टू क्यू, क्लियर। एक कॉमन आ गया, ये देखिए यहां है, यहां है। अब जो बच गया है लेंगे, तो जो बच गया है क्या है, x और ये x है, अब प्लस p माइनस थ्री क्यू, बस पी एक्स प्लस पी माइनस थ्री क्यू, इसमें मल्टी ब्रेकेट लेने का दरकार नहीं है। अब x माइनस पी माइनस माइनस प्लस टू क्यू, और इधर बताइए क्या हो जाएगा, x प्लस पी माइनस थ्री क्यू। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नाइन नंबर सवाल देखिए, सवाल देखिए, पता चल रहा है कि इसमें अगर हम माने तो कैसे माने। यहाँ a माइनस वन बटे ए है, जबकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस वन बटे ए स्क्वायर। तो एक सूत्र बताते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस टू ए बी। ये तो हम लोग सूत्र पहले से पढ़े हुए हैं, मिटा देते हैं इसको। यही सूत्र पे देखिए हम यहाँ पे बैठाएंगे, है ना। तो इस सूत्र पे कैसे बैठेगा देख लीजिए, यहाँ पे टू इंटू इसको लिख देंगे ना a माइनस वन बटे ए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, इसका होल स्क्वायर, और प्लस टू ए बी। टू ए बी मतलब टू इंटू ए इंटू वन बाय ए। तो इसको हम तोड़ दिए हैं, किसको, इसको ए स्क्वायर प्लस वन बटे ए स्क्वायर को। अब फिर माइनस ए माइनस वन बटे ए, ठीक है, माइनस से, क्लियर। अब देख लीजिए टू, और इसको हम टू दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ए काट देते हैं, तो टू इंटू ए माइनस वन बटे ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये टू और टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर आ जाएगा, क्योंकि ये टू जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब फिर माइनस ए माइनस वन बटे ए माइनस सेवन, क्लियर। देखिए यहां अब यहां पे क्या करेंगे हम, कि ये जो फोर है यहां सेवन है, इसको हम घटा देंगे, तो बोलिए क्या आ जाएगा, माइनस इसको हम बीच में ले लेते हैं, और ये चार को इसमें घटा देते हैं, माइनस थ्री आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए ए माइनस वन बटे ए बराबर एम माना, इसमें मान लेते हैं हम लोग जैसे पहले मानते थे। अब बताइए यहां पर क्या होगा, टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री, क्लियर। अब इसको तो सिंपल तरीके से हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, तो बोलिए गुणनखंड कैसे करेंगे, टू एम स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू करेंगे, एम माइनस थ्री, बताइए टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस माइनस प्लस टू एम माइनस थ्री। अब कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, एम कॉमन आएगा, तो आएगा टू एम माइनस, अगर कॉमन लिए तो थ्री, आप प्लस यहां पे वन कॉमन ले लीजिए, टू एम माइनस थ्री। अब देखिए टू एम माइनस थ्री, टू एम माइनस थ्री, फिर एक बार कॉमन आ जाएगा, तो बताइए अब क्या होगा, टू एम माइनस थ्री कॉमन आ गया, अब बचा क्या, एम माइनस एम प्लस वन, एम प्लस वन बचा। अब देखिए एम का मान रखने पर, तो देखते हैं एक हम एम का मान अगर रख देते हैं तो क्या आता है, टू इंटू एम की जगह पे देखिए यहां पे क्या माने थे, ए माइनस वन बटे ए माइनस, इसको टू इंटू ए माइनस वन बटे ए माइनस थ्री, और फिर दूसरा में अगर रखेंगे तो बताइए क्या होगा, ए माइनस वन बटे ए प्लस वन, क्लियर। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, इसका मान जो है अगर बैठा दिए हैं तो इसको हम 2a माइनस 2 बटे ए माइनस थ्री, ये आ गया, मल्टीप्लाई किए, और इसको तो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्या इसमें भी हम कुछ तोड़ सकते हैं क्या,
तो यहां देखिए गौर से, इसमें भी हम तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं? तो 2a माइनस 2 बटे a, इसको माइनस हम 4 प्लस 1 कर सकते हैं, माइनस 3 को 4 प्लस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग तोड़ सकते हैं इसको। तो इसको इस तरह से तोड़ लेते हैं और a माइनस 1 बटे a प्लस 1 कर लेते हैं इसको। अब देखिए एक बार, 2a प्लस 1 को एक साथ कर लेंगे, अब माइनस 2 बटे a और माइनस 4 को एक साथ हम कर लेंगे, या 4 को, हाँ तो यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए इस तरह से, इसको नहीं 2a के साथ प्लस 1 कर लेते हैं, है ना, और 2a के साथ माइनस 4 कर लेते हैं, आप प्लस 1 और इसको 2 बटे a कर लेते हैं, बस इसी में थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये 2 कॉमन ले लें, तो इसमें बोलिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 2 आ जाएगा, आप प्लस यहां a को अगर हम a बटे a लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a बटे a अगर लिखते हैं तो 1 ही आता है, और इसको जैसे है वैसे उतारते चले जाएंगे, है ना। अब देखिए 2a माइनस 2 आप प्लस, इसमें 1 बटे a अगर कॉमन लाएं तो निश्चित रूप से 1 बटे a अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहां a बचेगा और माइनस 2 बचेगा। तो अब देखिए एक बार कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 बटे a, 2 प्लस 1 बटे a और फिर a माइनस 1 बटे a प्लस 1। तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट सवाल, 10 नंबर में देख लीजिए क्या है ये सवाल है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहले इसको कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है x माइनस 1, x अगर कॉमन ले लिया तो, फिर y माइनस, इसमें भी x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1। तो देखिए यहां पे x प्लस 1, x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब क्योंकि a प्लस भी a माइनस भी है, लेकिन अब यहां देखिए x है और यहां भी x है, तो ये x स्क्वायर हुआ, तो हमको तो यहां पे y के बगल में 1 है तो 1 हमको आना चाहिए। तो देखिए हम बताते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 हुआ, इसमें अगर हम यहां पे 1 लाएंगे तो x स्क्वायर, x और x x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा क्या, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो हम इस रूप में इसको तोड़ना चाहते हैं, क्लियर। अब हम इसको तोड़ रहे हैं, गौर से देखिए, x x माइनस 1 y स्क्वायर, बताइए क्या बताया था यहां पे, इसको तोड़ रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1, ये किसके जगह पे है, तो 1 के जगह पे है, ठीक है, इसको हम इस तरह से ले रहे हैं, क्लियर है। अब माइनस x x प्लस 1, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, x इंटू x माइनस 1 y स्क्वायर प्लस, अभी दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर y, अब माइनस चूंकि प्लस माइनस माइनस ही हुआ, अब यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स एक्स प्लस 1, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा, यहां देखिए x है और इसमें y भी है, तो एक्स वाई हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई कॉमन अगर लेते हैं तो बचता क्या है, गौर से देखिए x माइनस 1 तो बचेगा ही बचेगा और इसके साथ साथ y भी बच जाएगा, है ना। अब प्लस इसमें क्या बचेगा बताइए, x बचेगा, क्लियर, क्योंकि एक्स वाई कॉमन ले लिए हैं। अब यहां हम लेंगे माइनस, अब यहां इसमें क्या है, इसमें x प्लस 1 भी है, x प्लस x माइनस 1 भी है, तो इसको हम इस तरह से थोड़ा सा करके दिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में, तो इस तरह से हम फिलहाल कर देते हैं, उसके बाद हम एक बार कॉमन लेंगे, ठीक है, एक्स वाई और इसको x माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स, इसको रहने देते हैं, और यहां बताइए क्या कॉमन आएगा, x प्लस 1 आएगा कॉमन, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अब देखिए बचेगा क्या अंदर में, यहां बचेगा x माइनस 1 इंटू वाई और माइनस, यहां माइनस कॉमन लिए तो प्लस बचेगा, और चूंकि x प्लस 1 कॉमन आया तो x बच जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये और ये आपको बराबर करना ही करना है,
अगर ये बराबर है तभी कॉमन आ सकता है। तो आप कॉमन ले लेंगे इसको, x माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहां पे बचा एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वन बचा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ देते हैं इसका और मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक है वाई को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इधर देखिए इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वन, और ये जो आया यही आंसर आया। तो इस तरह से वीडियो देखिए आराम से, इसको दोहरा के देखिए अगर समझ में नहीं आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा तो उसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।